तो गाइस आई होप कि अभी तक आप सभी ने मेकामोटो सीरीज को ऑफिशियल हिंदी डब के साथ कार्टून नेटवर्क पर देख लिया होगा। तो गाइस टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा नहीं था कि मेकामोटो सीरीज की डबिंग इतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो गाइस किसी भी सीरीज के अच्छी डबिंग में उस सीरीज के वॉइस आर्टिस्ट का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो गाइस इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेकामोटो सीरीज के मेन कैरेक्टर्स को किस किस वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया है, और आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मेकामोटो शो के बाकी के एपिसोड्स क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं, मेकामोटो सीरीज की टीआरपी डाउन गई या फिर कोई और रीजन है। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो चलिए गाइस अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसके आइडियाज कमाल के होते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर काफी ज्यादा डरपोक भी है। जी हाँ गाइस वो कैरेक्टर है दीप। तो यार सच कहूँ तो दीप को देखने के बाद मुझे गोपाल की याद आ जाती है, क्योंकि यार दोनों ही कैरेक्टर काफी ज्यादा सिमिलर है। तो यार अब बात करते हैं दीप को किस वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया है। तो यार दीप को अपनी आवाज दी है मणिकांत सर ने। मारा, तुमने मस्त शॉट मारा, लेकिन मैं इससे भी अच्छा करूंगा, अपनी आंखें बंद करके शूट करूंगा। तो यार अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और अमाटो की गर्ल बेस्ट फ्रेंड भी है। जी हाँ गाइस वो है मारा, और मारा को अपनी हिंदी वॉइस दी है मर्लिन मैम ने। तो यार सही में इनकी वॉइस काफी ज्यादा इफेक्टिव है और मारा पे सूट भी करती है। तो गाइस अब बात करते हैं क्यूट से दिखने वाले कैरेक्टर की जो कि अमाटो का बेस्ट फ्रेंड भी है। जी हाँ गाइस वो है पियान, और पियान को अपनी हिंदी वॉइस दी है शर्मिष्ठा मैम ने। तो यार सही में इनकी बच्चों जैसी वॉइस पियान पर पूरी ही सूट करती है। मेकअप तो और कूल हो गया, मुझे एक राउंड मिलेगा। तो गाइस अब बात करते हैं अमाटो के पार्टनर रोबोट जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। जी हाँ गाइस वो है मेकाबॉट। तो गाइस मेकाबॉट को अपनी हिंदी वॉइस देने वाले कोई और नहीं बल्कि मणिकांत सर ही है। तो यार मुझे शुरू से ही लगता था कि मेकाबॉट और दीप को किसी एक ही वॉइस एक्टर ने डब किया है। तो गाइस यार सच कहूँ तो मणिकांत सर की वॉइस मेकाबॉट पर पूरी ही सूट करती है। अब लगता है तुम इतने भी अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे, एक काम करो तुम अपना नाम बदल कर कुछ और रख लो, जैसे कि चंपू बॉट। तो गाइस अब बात करते हैं काफी ज्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव कैरेक्टर की जो कि फिलहाल अभी मेकाबॉट का बॉस है। जी हाँ गाइस और वो है अमाटो। तो यार अमाटो को अपनी हिंदी वॉइस दी है मोहित सर ने। तो यार अमाटो जैसे कैरेक्टर की जैसी आवाज होनी चाहिए वैसे ही मोहित सर ने भी डब किया है। तो यार मुझे लगा नहीं था मोहित सिन्हा सर जैसे इतने अच्छे वॉइस आर्टिस्ट अमाटो को डब करेंगे। तो चलिए गाइस उनकी आवाज भी सुन लेते हैं। क्योंकि मैं हूं तुम्हारा बॉस मेकाबॉट मेकानाइज। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे वॉइस एक्टर्स ने डब किया है, इसीलिए इस सीरीज की भी डबिंग काफी ज्यादा अमेजिंग हुई है। तो गाइस यार मुझे एक डर था कि अगर इस सीरीज की डबिंग अच्छी नहीं हुई तो यार इसकी टीआरपी डाउन चली जाएगी, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये शो तो अमेजिंग है ही, और साथ ही इसकी हिंदी डबिंग ने इस पर और चार चांद लगा दिए हैं। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि मेकामोटो सीरीज से काफी अच्छी टीआरपी मिली है कार्टून नेटवर्क वालों को। तो यार थैंक्स आप लोगों का जो आप सभी ने मेकामोटो को इतना सपोर्ट किया। तो यार आप बात करते हैं कि कार्टून नेटवर्क आगे के एपिसोड्स क्यों नहीं दिखा रहा मेकामोटो के। तो यार ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी के एपिसोड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। जी हाँ गाइस अभी तक सीजन 1 और 2 ही रिलीज हुआ था जो कि कार्टून नेटवर्क इंडिया वालों ने डब करके टेलीकास्ट भी करवा दिया। तो गाइस इसका मतलब मेकामोटो के नए एपिसोड्स अभी नहीं आने वाले बल्कि पुराने एपिसोड्स को ही फिर से टेलीकास्ट किया जाएगा। तो गाइस डोंट वरी, भले ही सीजन 3 और 4 को आने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन यार मेकामोटो मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। और तो और गाइस 1 मार्च को ये मूवी इंडोनेशिया में भी रिलीज होने वाली है, और ये ग्लोबली कुछ महीने बाद ही रिलीज होगी, तब गाइस हमें इंडिया में भी ये मूवी देखने को मिलेगी, और वो भी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ। तो गाइस मेकामोटो सीजन 1 और 2 के एपिसोड अगर फिर से टेलीकास्ट होते हैं तो यार आप लोग फिर से सपोर्ट करना, तभी हमें ये मूवी जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। तो गाइस यही हमारी आखिरी उम्मीद है, इसी के कारण हमें बोबा गैलेक्सी इंडिया में जल्द हिंदी में देखने को मिल सकता है। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। तो यार सभी वॉइस एक्टर्स के इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो यार वहां से जाकर उन सबको फॉलो कर लेना। तो गाइस आप सब उन वॉइस एक्टर्स को मेंशन करते हुए एक थैंक्स स्टोरी भी लगा देना, और मुझे भी मेंशन करना मत भूलना। तो यार इनसे उन वॉइस एक्टर्स को काफी ज्यादा खुशी होगी, और मुझे खुशी होगी तब जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। तो यार मेहनत तो मुझे इन चारों वीडियोस को भी बनाने में लगी है। तो यार आप चाहो तो इन चारों वीडियो में से कोई भी देख सकते हो। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।